हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिन से जो है मैं इरेगुलर हूँ यूट्यूब पे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा बिजी हो गई थी एंड उसके बाद आप जानते हो अनमोटिवेटेड हो गई थी, तो मैं मोटिवेटेड नहीं थी कि मैं कोई वीडियो शूट करूँ। आज काफ़ी दिन बाद जो है मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं आई हूँ अपने मोस्ट फेवरेट प्लेस जो कि है सोलन, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के 5 साल बिताए हैं एंड मेरी लाइफ के सबसे अच्छे 5 साल यहाँ पे बीते हैं। मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव है और मेरा बस चले तो मैं यहीं रहूँ हमेशा, लेकिन कोरोना के वजह से अब घर पे बैठे हैं। कोई बात नहीं, कल है मेरा एग्ज़ाम, इसलिए मैं आज आई हूँ सोलन। तो आई हूँ मैं अपनी फ्रेंड के पास, तो वो है अभी ड्यूटी पे, उससे पहले मुझे जाना है, एडमिट कार्ड निकलवाना है। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ, मुझे निकालना है अपना एडमिट कार्ड एंड थोड़ा मार्केट की सैर भी कर लूँगी। गाइस, अब मैं चल पड़ी हूँ एंड पहुँचने वाली हूँ मार्केट। तो अभी मैं पहुँची हूँ सोलन के मॉल रोड, तो आप देख सकते हो ये है सोलन का मॉल रोड। और अभी यहाँ पे जो है बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा मौसम जो है ठीक हो गया है। और ये है यहाँ की तिप्तिन मार्केट, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है अंदर, और यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो आप कभी आएँ तो यहाँ शॉपिंग कर सकते हो। एंड अब मैं जा रही हूँ अपना एडमिट कार्ड निकालने। सो गाइस, आज है दिन एग्ज़ाम का एंड मैं वो भी हूँ एकदम रेडी। अभी तक ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं करा है और मेरे पेट में जो है वो होता है ना, एक एग्ज़ाम से पहले आपको एक फीलिंग होती है अजीब सी, वैसे हो रही है डर वाली फीलिंग, पर चलो देखते हैं क्या होता है एग्ज़ाम में। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मेरा एग्ज़ाम किस चीज़ का है, तो मैं आपको बता दूँ, आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ 2-3 सालों से। मेरा एग्ज़ाम है आज SBI क्लर्क प्रीलिम्स। घर पे जो है बिल्कुल प्रेपरेशन नहीं होती है अच्छे से, तो प्रेपरेशन तो मेरी सोसो है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो है वो स्पीड मैटर करती है, तो स्पीड आपकी तभी बनती है अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करो। तो रोज़ प्रैक्टिस तो मैंने की नहीं है, कभी कभी किया कभी नहीं किया। तो चलिए एग्ज़ाम के बाद ही आपको बताऊँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। बारी है अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने की, तो यहाँ का नाम है बाबे दी फूल कृपा एंड ये मेरा मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है। यहाँ बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। मैं अकेले यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड गई है आज भी ड्यूटी पे एंड अकेले यहाँ पे खाना खाना, और मेरे साथ कोई नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो कि यहाँ बैठ। मैं एग्ज़ाम देने के बाद रूम पे एंड एग्ज़ाम की बात मैं आपको क्या ही बताऊँ, ना ज़्यादा अच्छा हुआ है ना ज़्यादा बुरा हुआ है। जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि मैंने कितना स्कोर किया है और मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाई हूँ या नहीं। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए एंड मैंने भी पढ़ाई को जो है सीरियसली नहीं लिया घर पे, क्योंकि घर पे जो है बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता, एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। पर एंड इस बार जब मैं सोलन आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं घूमूंगी खाऊंगी पीऊँगी, पर वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है वो बिजी रहती है, उसको जॉब पे जाना होता है। इस बार जब मैं सोलन आई तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग भी शूट कर लूँगी, घर पे जो है वो कॉन्टेंट की मुझे कमी नज़र आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच उन लोगों का जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं।